गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप ट्रूकॉलर पे अपनी आईडी बना सकते हैं। साथ में अगर आप अपनी आईडी को बना लिए हैं और नेम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। और गाइज, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ट्रूकॉलर पर सभी लोग एक्टिव रहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा आप भी अपनी आईडी ट्रूकॉलर पर सेव कर लें। तो चलिए वीडियो बताते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। जैसे गाइज मैं प्ले स्टोर ओपन कर लिया हूँ, ट्रू कॉलर सर्च कर लिया हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जा रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, सेट ट्रू कॉलर एज योर डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन और ट्रू कॉलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जो भी आप यूज करना चाहें उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन का ही यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है मैसेजिंग का, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद अलाउ करते हुए चले जाना है। अलाउ करने बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद एग्री का ऑप्शन आ जाता है, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है, सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। सक्सेस के ऑप्शन के बाद ही आपको यहाँ पर गूगल आईडी सेव करने का ऑप्शन आता है। अगर आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में गूगल से भी कनेक्ट करना चाहते हैं गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने तरफ से नाम लिखना चाहते हैं, टाइप नेम मैनुअली पर क्लिक करके आप अपनी तरफ से भी नाम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके पहले कि जो आता है नंबर सेव करने का ऑप्शन आता है, आप उसमें अपना नंबर दर्ज कर दीजिएगा, ओटीपी अपने आप ही आ जाएगा। ओटीपी आ जाने के बाद आपका इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है। नंबर मैं नहीं दिखा सकता इसलिए उसको मैं स्किप करके इस तरह आगे बढ़ चुका हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूँ, जिस भी नंबर को आपको ट्रूकॉलर से ऐड करना हो वह फ़ोन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ़ोन उस नंबर से कनेक्ट नहीं रहेगा तो गाइज आपका फ़ोन में ट्रूकॉलर नहीं बनेगा, दूसरे फ़ोन में बन जाएगा। क्योंकि गाइज ये ट्रूकॉलर कहता है कि आप जिस भी आईडी को बनाना चाहते हैं वह सिम वही मोबाइल पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है। मैं यही नेम को सेव कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद आपका नेम सेव हो जाता है आपके नंबर पर। तो इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है। रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो स्किप मैं कर दिया हूँ, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखता है। और यहाँ पर अपग्रेड टू प्रीमियम का ऑप्शन दे देता है, अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप प्रीमियम ले सकते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप जानती हैं, काफ़ी लोग ट्रू कॉलर देखे होंगे तो इस प्रकार से होता है। तो गाइज यही आपको समझाना था। वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई दिश में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।